यस क्लास एट्थ अपां करदे पए आ अपना चैप्टर नंबर थर्ड एक्सरसाइज 3.1 दा क्वेश्चन नंबर 6 अपां स्टार्ट करन लगे आ। तो इहदा ए पार्ट अपां करांगे सारिआं तों पहिलां। तो स्टेटमेंट है कि एक्स कोण दा माप पता करो, मैजर पता करना अपां एंगल एक्स दा। ठीक है, फिगर सानू वक्खो वक्खरियां दित्तियां वी आ, जिवें कि हुण पहली फिगर आ इहदियां चार भुजावां, तां इह की आ इक चतुर्भुज आ, क्वाडीलेटरल आ। तां आपां की आ, सानू जिवें कि पता कि एक ट्रैंगल दे तीन कोणां दा जोड़ 180 हुंदा, क्वाडीलेटरल दे चार कोणां दा जोड़ किन्ना हुंदा 360 डिग्री। ये तुसी चीज़ां जेड़ियां याद करनियां। ते पिछले सवाल दे विच ही तुहानू मैं जेड़ी पिछली वीडियो सी उहदे विच तुहानू दस्या सीगा कि जे सानू पांच भुजावां दित्तियां होण, छे दित्तियां होण, सत्त या सो मैनी जिन्नियां भी तुहानू साइड्स दित्तियां होण, असी उस जे पॉलीगन दे अंदरूनी कोणां दा जोड़ पता करना, तां उहदा मैं तुहानू एक तरीका दस्या सी। तुसी ओह वीडियो नू वेख्यो ते तुहानू मैथड जिहड़ा आ जाऊ, नहीं तो नैक्सट पार्ट दे विच मैं तुहानू ओह दुबारा दसूंगी। ठीक है, तो इहदे विच हुण असी, क्योंकि सानू इह पहलां तो ही पता भी जिहड़ी चतुर्भुज हुंदी आ, क्वाडीलेटरल हुंदी आ, उहदे चार कोणां दा जोड़ किन्ना हुंदा 360। तो सानू देखो इस चतुर्भुज दे विच तीन कोणां दा माप आ जिहड़ा उह सानू दित्ता विआ, असी एक्स दा माप पता करना। तो असी की लिखांगे, असी इहनां तीन जिहड़े कोण तीन दित्ते विआ 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स आ जिहड़ा असी पता करना, तो उहनू असी एज इट इज़ ही लिख देंगे 360 डिग्री दे बराबर उन्हां चारां दा जोड़। तां इहदे नाल बेटे असी इहदा रीज़न भी लिख सकदे हाँ कि चतुर्भुज दे चार कोणां दा जोड़ 360 डिग्री हुंदा है। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिखणगे कि सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाडीलेटरल इज़ 360 डिग्री। ठीक है, ये तुसी साइड ते लिखोगे, मैं भी तुहानू लिख के दिखा दिंदी हाँ। पंजाबी मीडियम वाले लिख लैणगे, चतुर्भुज दे चार कोणां दा जोड़ 360 डिग्री हुंदा है। जे असी बेटा इह कारण लिख दिए तां साडे जिहड़ा कोई भी नंबर कट्टे जाण दी गुंजाइश आ जिहड़ी नहीं रह जाती। हुण आपां की करांगे, जिहड़े तीन कोण दित्ते आ जदों असी इहनां दा जोड़ करांगे ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟੇ ਆਜੂਗਾ 300। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 300 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ 300 ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਗੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੋਂ, ਇਹਨੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ 60 ਡਿਗਰੀ। ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 60 ਡਿਗਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 300 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 60 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 360 ਬਣ ਜੂ, ਤਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 360 ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਚਾਰਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 360 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਇਹ ਸਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 60 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਬੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਆਡੀਲੇਟਰਲੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੋਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, 70 ਡਿਗਰੀ 60 ਡਿਗਰੀ। ਐਕਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ ਇੱਕ ਕੁਆਡੀਲੇਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਕੋਣ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ
या समकोण नूं दर्शाउंदा है ना। समकोण का मतलब समकोण का माप किन्ना हुंदा 90 डिग्री। इहदा की मतलब आ वी इह वाला कोण आ जिहड़ा इह किन्ना हो गया 90 डिग्री का, तो यह पूरा किन्ना हुंदा रेखी जोड़ा बनता है, रेखी कोण लीनियर पेयर बनता पिया, तो जिहड़ा लीनियर पेयर हुंदा उहदा जोड़ हुंदा 180 डिग्री। तो 180 दे विच्चों सानू 90 दिता पिया, तो नैचुरली जो 180 विच्चों असी 90 घटावांगे तो अंदरला कोण भी किन्ना हो जूगा 90 डिग्री का। तो हुण सानू तीन कोण पता लग गए अंदरूनी, तो यह हुण पहले पाठ नाल दा ए पाठ नाल दा सवाल बन गया। आपां की करांगे हुण अंदरूनी सारे कोणा दा जोड़, 90 डिग्री जमा 60 डिग्री जमा 70 जमा एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इहदा रीज़न फिर जे तुसी लिखना होवे तो उही लिखोगे कि चतुर्भुज दे चार कोणा दा जोड़ 360 डिग्री हुंदा है, या कि है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो हुण आपां आ तीन कोणा दा जोड़ कर लांगे, किन्ना आऊगा जोड़ करके तुसी देखो। जोड़ करके आ करके तो हुण फिर असी की करांगे, दो सौ भी उधर लिजा के माइनस कर देंगे डिग्री, जिमें कि मैं थोनू पहले ही दस्या भी तुसी लाउणी भुलणी नहीं, माइनस करके आ गया 140 डिग्री। तो सानू एक्स की वैल्यू फिर पता लग गई 140 डिग्री। इस विचों बेटा तुहानू एक सवाल आ जिहड़ा वो पेपर दे विच जरूर आना, इन्हां नू तुसी सीरियसली करना, बहुत ध्यान नाल करना, ये काफ़ी ईजी सम। सी पार्ट दे विच देखिए बेटा, असीं सारियां तो पहला ये चैक करिए भी इस फिगर दियां जिहड़ियां भुजावां या साइड्स आ वह किन्नियां, क्योंकि पहले दो पार्ट्स तो आप वेखे सीगे वह क्वाड्रिलेटरल सी चतुर्भुज सी। ठीक है, हुण असीं वेखिए किन्नियां साइड्स आ इस फिगर दियां, एक दो तीन चार ते पांच। तां सानू जिहड़ी चार भुजावां वाली फिगर तक पता सीगा भी 360 डिग्री कोण हुंदा, कोणा दा जिहड़ा जोड़ हुंदा, पर हुण साडे कोले पंज भुजावां वाली फिगर आ गई, तां इहदा उही गल आ वी जां तां तुसीं रट्टा लाओगे वी जिवें सानू 360 ते तीन कोणा तीन साइड्स वाली जिहड़ी फिगर आ उहदा सानू पता वी ट्रायंगल दे तीन कोणा दा जोड़ 180 हुंदा, तां इसे तरह तुसीं पंज भुजावां वाली जिहड़ी फिगर आ उहदे कोणा दा जोड़ दा जां तां तुसीं रट्टा लाओगे या फिर रट्टा नहीं लाना। तो एक बहुत ही ईजी मैथड जिहड़ा मैं तुहानू करवाया सीगा वह मैं की समझाया सी तुहानू भी, जिन्नियां साइड्स होन उहदे विच्चों तुसी दो माइनस कर देना ते उहनू 180 डिग्री दे नाल गुणा कर देना। ठीक है, तो वह साढ़े को जोड़ आजूगा कोणा का। तो ये लिखन तो पहला असी इनू प्रॉपर वे नाल लिखांगे कोणा का जोड़, कोणा दा जोड़ बराबर या सम ऑफ एंगल्स, ये लिख के फिर तुसी ये फार्मूला लिखना। इहदा मतलब यह आ कि किहदे कोणा दा जोड़ भी जिहड़ी भी सानू फिगर दित्ती वी आ, तां असी हुण पंज दे विच्चों जदों दो माइनस कीते तीन आ गए, 180 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 540 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਿਗਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 540 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਣ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ 30 ਐਕਸ ਦੋ ਵਾਰੀ ਐਕਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੋਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਐਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਨਾ ਹੀ ਆਹ ਐਂਗਲ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਕੋਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਰੇਖੀ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਰੇਖੀ ਕੋਣ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 70 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਂਗਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ठीक है। तो हुण पहला आपां एंगल एक दा माप पता करिए। एंगल एक जमा 70 डिग्री बराबर किन्ना हुंदा 180 डिग्री दे, क्योंकि यह की है लीनियर पेयर। पंजाबी वाले बच्चे लिखनगे रेखी कोण। ये तुसी गल्ला याद ही रखनी है भी रेखी कोण आ जेड़े उन्हां दा दोवां कोणां दा माप 180 डिग्री हुंदा। तो हुण साडे कोल इत्थों एंगल एक दा माप सानू मिल गया, वो किन्ना आ गया 110 डिग्री। हुण आपां दूजा जिहड़ा एंगल दो आ उहदा माप पता कर लांगे, उहनू भी असीं उवें ही लिखांगे 180 डिग्री। लीनियर पेयर रेखी जोड़ा। तो हुण असीं एंगल दो कढ लिया 180 दे विच्चों 60 माइनस किया 120 डिग्री, ठीक है। हुण सानूं इह सारे कोण आ जिहड़े अंदरूनी कोण पता लग गए, सिर्फ एक्स दी वैल्यू रह गई जिहड़ी कि असीं हुण पता करांगे। तां हुण उही आपां लिखांगे 30 डिग्री जमा एक्स जमा एक दी वैल्यू असीं किन्नी कढ़ी आ 110 डिग्री, जमा दो दी वैल्यू असीं किन्नी कढ़ी आ 120 डिग्री, जमा एक्स। पंजे कौन हो गए, देखो 1, 2, 3, 4 ते 5 इन्हों का जोड़ असी हुण लिखांगे 540 डिग्री दे। कई बच्चे भुलेखे नाल इत्थे 360 डिग्री ही लिखते हैं, तो वह फिर तुहाडा गलत हो जूगा, क्योंकि पांच कोणा वाली जिहड़ी हुंदी आ फिगर जां पांच साइड्स वाली जिहड़ी फिगर हुंदी आ उहदे अंदरूनी कोणा दा जोड़ 540 हुंदा। तां हुण असी इहनू इधरले पासे सोल्व कर लीए। आपां पहलां सारे कोणां दा जोड़ करांगे। जदों जो एक्स ते एक्स दा जदों असी जोड़ कीता वह बन गया 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री, ठीक है। तो हुण फिर 260 नूं असी उधरले पासे लै जाणा, उन्हें जाके उधरों माइनस हो जाना। डिग्री लाउणा नहीं भुलना, मैं वारी वारी तुहानूं इही गल दसदी पई हाँ। जदों असी माइनस कीता बेटा तो यह आजूगा 280 ते नाल की लग गया डिग्री, ठीक है। तो जदों इन्ना 540 चो असी 260 आ जिहड़े माइनस किए। हुण फिर तुहानूं पता, क्योंकि पिछली जिहड़ी असी पिछला चैप्टर करके आए इक्वेशनस नूं सॉल्व करन दा ही सीगा, जो भी गल्लां असी पहलां सिखियां हुंदियां वो अग्गे अग्गे जाके यूज़ हुंदियां, तां ही तुहानूं उदों कहीदा कि तुसीं इन्हां चीज़ां नूं ध्यान नाल समझो। तां हुण भी मैं तुहानूं कही जांदी हां वी इन्हां इस वीडियो नूं तुसीं ध्यान नाल देख के कंसैप्ट अपने माइंड दे विच सैट कर लैणा, तां तुहानूं कदे भी प्रॉब्लम नहीं आऊगी, ठीक है। तो हुण ये आपां गल्लां पहलां कर चुके हैं भी इधर 2x 2 दी गुणा दूजे पासे जाके भाग हो जूगी। तो जदों असी इनू डिवाइड किया तो 140 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू साढ़ी कितनी आ गई 140 डिग्री। तो 2x सीगे दोवां दी, हुण दोवें वारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री। तो ये साडा पार्ट आ जिहड़ा सी हो गया। हुण बेटा डी पार्ट दे विच देखिए, असी सानू फिर जिहड़ी फिगर दित्ती वी आ देखो उहदियां साइड्स किन्नियां 5, तो यह की होगी पेंटागन होगी 5 भुज होगी। तो पिछला ही जिहड़ा असी सी पार्ट कीता सी उहदियां भी 5 भुजावां सीगियां, तो इहदियां भी 5 आ। हुण वेखो बेटे इहदे विच फिर तुहानू आह जिहड़े साइन बराबर दे दिखी जांदे आ। तो पिछले सवाल दे विच तुसी कीता उहदे विच एक्स ते कोण ते बराबर दा निशान लाया सी, उहदे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी कि ये जिहड़े भी एक्स दियां दो वैल्यू आऊगी वह बराबर होगी, इहदा की मतलब आ भी एक्स कोण आ जिहड़ा बराबर आ। हुण जदों सानूं भुजावां दे उत्ते देता तां इहदा की मतलब हो गया कि इस पेंटागन दियां 5 साइड्स आ जिहड़ियां उह की आ इक्वल आ। जे 5 साइड्स इक्वल आ तां जदों साइड्स इक्वल होन तां एंगल्स भी की हुंदे आ बराबर हुंदे आ इक्वल हुंदे आ। तां जे हुण ए वाला एंगल एक्स आ तां इहदा मतलब बाकी 5 कोण भी की होणगे एक्स होणगे। इह गल तुसीं जिहड़ी याद रखनी आ, क्योंकि जे भुजावां बराबर आ तां कोण भी बराबर हुंदे आ। तां हुण गल आ गई कि असीं लिखणा कोणां दा जोड़, सम ऑफ एंगल्स, की जिहड़ी
पेंटागन होंगी पंजा कोणा का जोड़ किन्ना होंदा है ना। तो हुण पंज कोण सानू देते, मैं तुहानू पिछले पार्ट दे विच मैथड दसता सी वी पंज साइड्स आ उहदे विचों तुसी किन्ना माइनस करना, पंजा दे विचों दो ते उहनू गुणा कर देनी आ 180 नाल, तां साडा किन्ना आजूगा उह 540 डिग्री। तो जे तुसी इन्ना नहीं करना तो उन्हों याद हो गया वो ये पेंटागन दियां पांच भुजावां दा जेड़ा पांच जेड़े कोणा दा जोड़ आ 540 डिग्री हुंदा, तो तुसी सीधा वी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं हैगी कि तुसी हर वारी कढ के ही दिखाओ, क्योंकि वारी वारी प्रैक्टिस करन दे नाले तुहानू याद हो जूगा। तो हुण आपां लिखिए सारे कोण किन्ने आ एक्स, सारे कोण मतलब किन्ने पांच कोण, तो पंजे वारी असी एक्स लिखांगे 1 2 3 4 5 = 540 डिग्री। तो जदों असी एक्स नूं पांच वारी जोड़िया तो वह आजूगा 5x। हुण पांच ने उधर जा के कित्थे लग जाना, बटे दे विच। ठीक है जी, जदों असी इनू डिवाइड करांगे, तुसी डिवाइड करके वेखोगे साइड ते, तां 108 डिग्री आ जिहड़ा ओह आजूगा। तां इहदा मतलब की आ, इस पेंटागन दे पंज भुज दे सारे कोण आ किन्ने आ 108 डिग्री दे आ। तां एक गल बेटे मैं ना होर दसदा कि बच्चे नूं जदों डिग्री पाउण नूं कह दईए ना, तां ओह डिग्री एड्डी वड्डी सारी करके पा दिंदे आ, तां इह रोंग आ। डिग्री दा मतलब बिल्कुल तुसी छोटा जिहा सर्कल बनाना हुंदा, ना कि वड्डी सारी जीरो पा देनी आ। उहदे नाल इह नहीं पता लगता भी यह डिग्री पाई आ कि जीरो पाई आ। तो इहदे नाल ही तुहाडा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। डू इट केयरफुली। थैंक्स बेटा।